a very common question which a lot of people face. If you're buying a weighbridge, you don't know, and if you have a weighbridge, you might know. आप अपने ऑपरेटर से पूछिए कि कभी कभी आपकी वजन जो आती है, कम से कम बारिश के सीजन में, वो वेट फ्लिकर करता है. फ्लिकर का मतलब ऊपर नीचे भागता है, स्टेबल नहीं होता. ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, फॉर ऑल दोज यू पीपल हु आर गोइंग टू बाय अ वेब्रिज, ऑल्सो पे अटेंशन हियर, एंड ऑल दोज यू हु हैव अ वेब्रिज, प्लीज पे अटेंशन. आती है गाड़ी, यहां पर कहीं ना कहीं आपकी जो वायर है, जो लोड सेल की, अगर वो केसिंग के थ्रू नहीं है, तो आपका वहां पर कोई भी चूहा या कोई भी तरीके का जानवर, कहीं अगर वायर कट जाए और हल्का सा वो कटा हुआ हो लेकिन उसमें से सिग्नल जा रहा हो, तो वो फ्लक्चुएट करता है. और अगर समझ लीजिए आपने किसी को बुला के उसको जुड़वा भी दिया, मैं आपको बता दूं, जोड़ना ऑफ द वायर इज द रॉन्ग थिंग टू डू. अगर आप कोई भी लोड सेल मैन्युफैक्चरर से पूछो उसकी गारंटी है क्या, वो बोलेगा नहीं है. लेकिन अगर आप फिर भी उसको जोड़ के चला रहे हो और इसमें वाटर सीपेज हो जाए, तो आपका फ्लक्चुएट करेगा वेब्रिज, आपका वेट हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, विच विल गिव यू अ इमेंस प्रॉब्लम. वी ऑलवेज सजेस्ट टू बाय अ न्यू लोड सेल देयर, बट कई सारे सप्लायर्स बोलते हैं, मैंने एक लोकल वेंडर को बुलाया, उसने बोला भाई इसको आप ना जोड़ के चला सकते हो, ये आप खाली चेप रहे हैं एक लोड सेल और इसका प्राइस कमाना चाह रहे हैं, बट दैट इज नॉट द केस. अ वेट फ्लक्चुएशन विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एक्यूरेसी इज कॉम्प्रोमाइज, ऑल ऑफ दिस इज डन. सो प्लीज पे अटेंशन, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इन एनालॉग लोड सेल्स. मैं आपको बता दूं, यू आर फ्री फ्रॉम दिस इफ यू हैव डिजिटल लोड सेल्स और इफ यू गोना बाय डिजिटल लोड सेल्स. सो बाय डिजिटल लोड सेल्स, बट इफ यू बाय एनालॉग लोड सेल्स, नेवर यूज अ जॉइंट वायर, नेवर गेट अ वायर जॉइंट, चेंज योर लोड सेल, डोंट गो फॉर पेनी फूलिश एंड वाइज पाउंड, डोंट गो फॉर दैट काइंड ऑफ अ थिंग. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो which load cell should you use and not to join a wire. If you want to know more about all of this and want to get your weighbridge check, contact us on the below mentioned number or the email address. We'll be more than happy to help you. Or leave us a comment in the comment section. We will get back to you. If not done already, press on the bell icon and you shall subscribe to our channel, where you will get everything about weighbridges and about its accuracy. Thank you.